सो क्या है एग्जीक्यूटिव एमबीए, राइट? रेगुलर एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए का डिफरेंस क्या है? सो नमस्कार दोस्तों, मैं काजी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि विद्या बोल के जाना जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एग्जीक्यूटिव और रेगुलर एमबीए क्या है। सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एडुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड और टेक एंड गैजेट्स रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस भी ऐसे मिलते रहे। तो रेगुलर एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए, अब पहले हम लोग जानेंगे एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में, कौन सा बेटर है, रेगुलर एमबीए बेटर है या एग्जीक्यूटिव एमबीए बेटर है। आपको इस वीडियो में इस सवाल का आंसर मिल जाएगी। सो एग्जीक्यूटिव एमबीए का पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं पहले, और रेगुलर एमबीए का पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। सो एग्जीक्यूटिव एमबीए में जो स्टूडेंट्स होता है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, ज़्यादा ओल्डर होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर एमबीए। रेगुलर एमबीए में जो रेगुलर स्टडीज़ करती है ज़्यादा ओल्डर नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए और रेगुलर एमबीए का जो मेन डिफरेंस है वो है एक्सपीरियंस, राइट? सो एग्जीक्यूटिव एमबीए में जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? आप ग्रेजुएशन किए, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीए जो भी किए, उसके बाद आप एमबीए करना चाहते हैं, ई एमबीए करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए। सो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ई एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एमबीए से हम लोग जाने जाता है। सो आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए एमबीए में, राइट? सो जो मिनिमम एक्सपीरियंस है आपको रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम बोलो 3 to 5 years, 3 to 5 years मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो रेगुलर एमबीए है उसका कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रिक्वायरमेंट चाहिए 1 साल 2 साल। आप रेगुलर एमबीए में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर। सो ये था नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, ओल्डर होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर 3 जो आती है कि जो सीट लिमिट वैकेंसी होती है, जो सीट होती है वो एग्जीक्यूटिव एमबीए में बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर एमबीए। रेगुलर एमबीए में बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पर आपको रेगुलर एमबीए मिल जाएगी, लेकिन चंद ही ऐसा कुछ कॉलेजेस है, कुछ लिमिटेड कॉलेजेस है जो ई एमबीए करवाती है, आपको ज़्यादा कॉलेजेस में नहीं मिलेगी, राइट? और जो नंबर 4th पॉइंट निकल के आ रही है वो है कि जो ई एम बी ए है वो आप करीबन 1 से 3 years तक होती है, 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, और रेगुलर एम बी ए जो है वो फिक्स्ड 2 years का रहती है। सो ये था नंबर 4th पॉइंट। तो ये था कुछ पॉइंट्स रेगुलर और एग्जीक्यूटिव एम बी ए के बारे में। सो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा बेटर है, रेगुलर एम बी ए बेटर है या ई एम बी ए बेटर है, तो इसका आंसर आपको खुद से मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपका करियर गोल क्या है, ये आपको तय करना पड़ेगा, राइट? सपोज आप जॉब करते, आप जॉब छोड़ना नहीं चाहते, आप चाहते कि मैं आप जॉब भी करें और आप एक डिग्री भी करें जो आपको स्किल्स को इन्हेंस करे, आपको स्किल्स को बूस्ट करे, ये आपको ज़्यादा प्रमोशन मिले। सो आप ई एम बी ए के लिए अप्लाई कर सकते, या आप चाहते कि नहीं सिर्फ आप स्टडी करना चाहते हैं, अभी जॉब नहीं करना चाहते, तो रेगुलर एम बी ए इज़ बेटर फॉर यू। आपको समझनी पड़ेगी कि आपका करियर सर्कमस्टेंसेस क्या है और आपका करियर रिक्वायरमेंट क्या है, इस दोनों को आपको समझ के आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी। सो आई होप मैंने इस वीडियो को आपको समझा पाया, काफ़ी सरल भाषा में मैं समझाता हूँ कोई भी वीडियोस में बनाता हूँ तो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।